हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है मेरा क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा एच आई। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, सबसे पहले हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन में आते हैं। तो हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म गैसियस कैटाइन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझ गए ना? और यही मैंने डेफिनेशन दी है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म गैसियस कैटाइन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझे बच्चों? कि विलिखित गैसीय परमाणु के सबसे दुर्बल बंधित इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने में लगी ऊर्जा को ही हम क्या बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि ये है एक आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये क्या है? आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये समझते हो? मतलब विलगित परमाणु, मतलब ऐसा एटम जो अपने आप में बिल्कुल फ्री हो, गैसियस स्टेट में हो, उससे कोई और बॉन्डेड ना हो अदर एटम। ठीक है, तो ऐसा आइसोलेटेड एटम, इसको हम एनर्जी इतनी मिनिमम अमाउंट में एनर्जी दें कि इसमें जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो जाए, तो और वो किस में कन्वर्ट हो जाए, गैसियस कैटाइन में। तो यहां जो ये जो एनर्जी लगी यही क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि एक लिथियम आयन है, तो लिथियम आयन गैसियस स्टेट, सॉरी लिथियम एटम है गैसियस स्टेट में, तो इस लिथियम जो एटम है गैसियस स्टेट में बिल्कुल आइसोलेटेड कंडीशन में है, इसे 5-0 किलो जूल पर मोल की एनर्जी दी जाए तो ये लिथियम गैसियस कैटाइन में चेंज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो ये जो एनर्जी लगी ये वाली, यही क्या कहलाएगी, लिथियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर मोल, मतलब एक मोल एटम से एक मोल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें, समझ गए ना? तो जो एनर्जी लगती है उससे हम बोलेंगे क्या, उसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, किलो जूल पर मोल में, या फिर इसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको किलो जूल पर मोल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में कन्वर्ट करना है तो ये रिलेशन यूज करोगे, 96.49 किलो जूल पर मोल इज इक्वल टू होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इस रेस पर अगर हम इतनी एनर्जी को किस में चेंज करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, तो ये आएगी 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, क्रमागत आयनन एंथैल्पीज। तो ये होती क्या है? तो देखो, जब एक गैसियस एटम था बिल्कुल आइसोलेटेड और जब आपने उससे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला और मोनो पॉजिटिव कैटाइन में कन्वर्ट किया, गैसियस मोनो पॉजिटिव कैटाइन में, तो इसमें जो एनर्जी लगी उसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझ गए ना? मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब वो मोनो पॉजिटिव कैटाइन में कन्वर्ट हो गया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके, अब हम उस मोनो पॉजिटिव कैटाइन से फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालें, तो अब जो एनर्जी लगेगी वो कहलाती है क्या, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब मोनो पॉजिटिव कैटायन को डाई पॉजिटिव कैटायन में कन्वर्ट किया जाए तो जितनी एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उसे हम बोलते हैं क्या, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब जब डाई पॉजिटिव आयन बन गया गैसियस स्टेट में, अब हम उसे ट्राई पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करें कैटायन में, अब जो एनर्जी लगेगी वो कहलाएगी थर्ड
आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसी तरह से इंक्रीज होते, मतलब इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, फोर्थ फिफ्थ इस तरह से रिमूवल इलेक्ट्रॉन होगा तो फोर्थ होगी फिफ्थ होगी, इस तरह से आयोनाइजेशन एंथैल्पीज होती हैं। तो यही मैंने यहाँ लिखा है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, डेल्टा एच आई फर्स्ट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझे बच्चों कि परमाणु से प्रथम इलेक्ट्रॉन निकालने में जो लगी ऊर्जा है उसे हम बोलते हैं डेल्टा एच आई फर्स्ट, प्रथम आयनन एंथैल्पी। फिर हम आ जाते हैं कि सेकंड है थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ये क्या होती है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मोनो पॉजिटिव गैसियस कैटायन टू फॉर्म डाई पॉजिटिव कैटायन। समझ गए ना, मोनो पॉजिटिव था मतलब इसमें से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, ये बना, इसमें से फिर आपने नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला। अब उसके लिए जो एनर्जी आपको जरूरत है, ठीक है, इसकी जो जरूरत है उसे हम बोलेंगे क्या, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा एच आई टू। अब जब सेकंड मतलब यहां तक आप आ गए कि फर्स्ट से सेकंड दो पॉजिटिव आ गया, अब हम इस डाई पॉजिटिव कैटाइन से ट्राई पॉजिटिव कैटाइन बनाए तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन रिमूवल के लिए अब जो एनर्जी लगेगी वो क्या कहलाएगी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब यहां पर आगे यही है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डाई पॉजिटिव गैसियस कैटाइन टू फ्रॉम ट्राई पॉजिटिव, ठीक है, कैटाइन इज कॉल्ड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो समझ गए बच्चों कि जब एकल धनात्मक गैसी कैटाइन से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो आवश्यक ऊर्जा को द्वितीय आयनन एंथैल्पी, जब द्वितीय धनात्मक कैटाइन से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो आवश्यक ऊर्जा को तृतीय आयनन एंथैल्पी, इसी प्रकार से ट्राई पॉजिटिव से आप टेट्रा पॉजिटिव कैटाइन बनाए अब जो एनर्जी लगेगी वो कहलाएगी फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसी तरह से ये होती है। तो यहां तक बात समझ गए, इस तरह से समझे, ये गैसियस एटम था, आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, यहाँ जो एनर्जी लगी ये है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये मोनो पॉजिटिव कैटायन बन गया, ये क्या बन गया मोनो, ठीक है, पॉजिटिव कैटायन, एक पॉजिटिव चार्ज है, फिर ये जो बना इसको हम बोलेंगे क्या डाई पॉजिटिव। अब हम इस मोनो पॉजिटिव से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाले, अब जो एनर्जी लगी वो क्या कहलाएगी आपकी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो ये डाई पॉजिटिव बन गया, अब डाई को आपने ट्राई में कन्वर्ट कर लिया, फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, अब जो एनर्जी लगी ये क्या कहलाएगी इसमें, ठीक है, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो यहां तक बात समझ गए, आप इसे नोट करें। अब देखो, अब हम आ जाते हैं कि ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, मतलब ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज हैं इनका क्या ऑर्डर है। तो देखो ऑर्डर ये होता है, फर्स्ट से ज्यादा सेकंड, सेकंड से ज्यादा थर्ड, थर्ड से ज्यादा फोर्थ, और इसी के बाद और आगे, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा वैल्यू होती है सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, सेकंड से ज्यादा होती है थर्ड, और थर्ड से ज्यादा होती है फोर्थ, और इसके बाद और आगे। जैसे कि एल्यूमिनियम में हम चलें कि एल्यूमिनियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है 6.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, सेकंड जो होती है वो होता है 18.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इसी प्रकार थर्ड, इसी प्रकार फोर्थ, ये वैल्यू आप देख रहे हैं लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों होता है कि जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज हैं या आयोनाइजेशन एनर्जीज जो हैं वो लगातार क्यों बढ़ रही है। तो देखो इसका रीजन क्या है कि जैसे जैसे एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते जाएंगे तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होंगे, प्रोटॉन्स तो उतने ही हैं, तो ऐसे में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगातार बढ़ता जाएगा। और हम जानते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें बढ़ेगा और उनका रिमूवल उतना ही डिफिकल्ट होता जाएगा। तो सीधा सा है कि जो ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, इसका रीजन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का लगातार बढ़ना जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और यही कारण है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी हायर टू हायर होती जाती है। तो यही मैंने यहाँ लिखा है कि बिकॉज एज द इलेक्ट्रॉन गो आउट ऑफ द एटम द आयोनिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग।
समझ गए ना, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव होते जा रहे हैं एटम से, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है, पॉजिटिव चार्ज वो इंक्रीज हो रहा है, दिस इज द रिजल्ट इन ठीक है इन इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता गया एंड दिस द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल गेट हायर टू हायर। रीजन वही है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, तो समझे बच्चों कि परमाणु से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं धनावेश बढ़ता है, साइज घटती है और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा न्यूक्लियर, और उनको निकालना उतना ही क्या होने लगेगा डिफिकल्ट होगा, और यही कारण है कि फर्स्ट से लेके और लगातार सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यू लगातार क्या होती जा रही है बढ़ती जा रही है, जो कि मैंने आपको एक एग्जांपल से बता दिया एल्यूमिनियम के 4 प्लस तक बनने में, ये है आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी, समझ गए ना। तो आप इसे नोट करें। अब देखो अगर हम पीरियोडिसिटी की बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की, तो सबसे पहले हम पीरियड में बात करें तो पीरियड में किसी भी पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं लेकिन ऑर्बिट नहीं बढ़ रही है, मतलब एटम्स में एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ ऑर्बिट्स तो नहीं बढ़ रही है, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा स्ट्रॉन्गली फोर्स से अट्रैक्टेड होंगे और उनका रिमूवल क्या हो जाएगा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यही मैंने लिखा है कि द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब फर्स्ट ले लें या सेकंड कोई भी, इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड बिकॉज नंबर ऑफ ऑर्बिट्स रिमेन्स द सेम बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ठीक है, therefore outer most electrons are attracted toward nucleus by greater forces। यहां तक बात समझ गए होंगे बच्चों कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता जाता है, क्योंकि परमाणुओं में कक्षाएं नहीं बढ़ती, केवल प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं और उनका निकालना थोड़ा सा कठिन होता जाता है। जैसे हम यहां पर एलिमेंट्स ले लें, ठीक है, तब तो ले रहे हैं तो लिथियम से चल रहे हैं नियम तक, तो आप देख रहे हैं कि लिथियम का 520, इसका बेरिलियम का 899, बोरॉन का है 801। हाँ, यहाँ पर एक एक्सेप्शन दिखता है, एक एक्सेप्शन यहाँ पर, इसको हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे। कार्बन का 1086 है तो इसका 1402 है, तो ऑक्सीजन का 13, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है हमारा एक्सेप्शन है, इसको हम कहें एक्सेप्शनल वैल्यू 1314, इसका है 1681 और नियम का है 2080, या फिर आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी ले सकते हैं 5.4, 9.3, 8.3, 11.3, 14.5, 13.6, 17.4, 21.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये दो एक्सेप्शन हमें आपकी दिख रहे हैं, हम इनको अलग से एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन एवरेज रूप से आप देखें तो लगातार वैल्यू बढ़ रही है, तो आप समझ गए होंगे, तो आप इसे नोट करें। अब देखो अगर हम एक ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में आयनाइजेशन एंथैल्पीज जो होती हैं वो डिक्रीज होती जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं तो नए नए ऑर्बिट्स बनते जाते हैं, और अंदर जब ऑर्बिट्स बढ़ते जाएंगे तो जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी बढ़ता जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता जाएगा, तो ऐसे में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है ना वो न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियस की ओर एक लेसर अट्रैक्शन इफेक्ट को क्या करते हैं एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब है कि उन पर एक न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन है वो काफी लो हो जाता है, लोअर कैटेगरी का हो जाता है, और ऐसे में इलेक्ट्रॉन का रिमूवल ईजी होता जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे चलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाती है। समझिए बच्चों कि ऊपर से नीचे जाने वर्ग में तो आयनन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, क्यों? क्योंकि आकार बढ़ने से नाभिकीय आकर्षण बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर कम हो जाता है। मैंने यही लिखा है कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है, फ्रॉम अप टू डाउन इन ग्रुप बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस फ्रॉम अप टू डाउन इन ग्रुप एंड इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स, एज अ रिजल्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड न्यूक्लियस बाय लेसर फोर्स। समझ गए ना, आवर्त में आने ऊर्जा का मान ऊपर से नीचे
घटता जाता है क्योंकि परमाणु आकार बढ़ने से अंदर के इलेक्ट्रॉनों का परिलक्षण प्रभाव बढ़ता है और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर दुर्बल बल से आकर्षित होते हैं। जैसे लिथियम में देखें 520 है, Na का 496, K का है 419, Rb का 403, इसका 374। अगर आप इनको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखें तो 5.4, 5.1, 4.3, 3.9, 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये डिक्रीज हो रहा है। तो हमने इस तरह से आयोनाइजेशन एंथैल्पीज के बारे में पढ़ा सब, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और उसकी पीरियोडिसिटी। तो ये हमारा अभी हुआ क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पीज के बारे में। अब हम मिलेंगे इसके आगे फैक्टर अफेक्टिंग और इसके एप्लीकेशंस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, नमस्कार।